हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 17x54, 17 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 54 फीट इस प्लॉट की लंबाई है और ईस्ट फेस है, मतलब कि पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी किन्हीं और का भूखंड आया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने क्या क्या डिजाइन किया मैं भी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए और अगर डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो प्लॉट की हमारी जो चौड़ाई है वो 17 फीट है यहाँ से लेके यहाँ तक और जो लंबाई है हमारी यहाँ से लेके यहाँ सामने तक ये हमारी 54 फीट, ठीक है। तो 17x54 प्लॉट की साइज है और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ उसका मुख है। तो ईस्ट से हम जैसे यहाँ एंटर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखिए दोस्तों 5 फीट का मेन गेट आ रहा है और फिर 6 फीट लंबाई के अंदर यहाँ पे हमने सामने से 6 फीट जगह छोड़ी है पोर्च के लिए, ठीक है, ताकि आप अपने बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हो। गाड़ी वगैरह तो पार्क नहीं होगी तो बाइक वगैरह यहाँ पे खड़ी कर सकते हो, ठीक है। फिर इस तरफ देखिए 4 फीट का मेन डोर और हम सीधा घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से मेन डोर से हम जैसे एंटर करते हैं तो उसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा किचन आ रहा है जिसकी साइज़ है 9x9.3 फीट, 9 फीट ऐसे और 9 फीट 3 इंच ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो सामने जो पोर्च है उसके अंदर निकल रही है, ठीक है। फिर ये हमारा 12x9.6 फीट का हमारे पास डाइनिंग और लिविंग एरिया आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 12 फीट ऐसे और 9.6 फीट ऐसे और ये जो 12 फीट है वो यहाँ से है, ठीक है। तो स्टेयर केस की जगह अलग से है तो यहाँ से स्टेयर केस भी इसी के अंदर है, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे और 3.5x3.5 फीट स्टेयर केस का लैंडिंग है, ठीक है। ये हमारा छोटा सा डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया 9.5x12 फीट का, ठीक है। फिर इस तरफ चलते हैं, ये देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज़ है 10x10.3 इंच, 10 फीट ऐसे और 10x3 इंच ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पे निकल रही है, यहाँ पे हमने ओटीएस छोटर का जिसकी साइज़ है 4x4.8 इंच, 4 फीट ऐसे और 4x8 इंच ऐसे। तो इसके अंदर इस ओटीएस के अंदर इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। फिर इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो यहाँ पे देखिए दोनों दीवारों के बीच में 4.5 फीट का गैप है, ठीक है। फिर इस तरफ देखिए 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है जिसकी साइज़ है 6x4.8 इंच, 6 फीट ऐसे और 4x8 इंच ऐसे। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी ओटीएस के अंदर निकल रहा है, ठीक है। फिर टॉयलेट से वापस बाहर आते उसके जस्ट पास में देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और एक और बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज़ है 10x15.6 इंच, 10 फीट ऐसे और 15.6 इंच ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो भी ओटीएस के अंदर निकल रही है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको उसको एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पोर्च हो गया, फिर ये हमारा मेन डोर, ये हमारा किचन, ये हमारा डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पे स्टेयर केस बनी हुई, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ पे डाउन हो जाएंगे। फिर ये हमारा बेडरूम और ये पीछे ओटीएस, ये कॉमन टॉयलेट और ये पीछे पूरा बेडरूम, ठीक है। तो चलिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। ये देखिए हम सामने से स्टार्ट हो रहे हैं, पीछे तक चल रहे हैं, ठीक है। और ईस्ट फेस है, 17x54 प्लॉट की साइज है। तो इसके अंदर मैंने टोटल 2 बेडरूम, 1 किचन और 1 टॉयलेट और छोटा सा पोर्च और स्टेयर केस डिजाइन किया है, छोटा सा डाइनिंग और लिविंग एरिया भी है। तो ये देखिए दोस्तों, 17x54 प्लॉट की साइज है हमारी। तो ये मैंने इस प्रकार इसको डिजाइन किया। ये देखिए पीछे वाली आएगी पश्चिम दिशा, ये 17 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है। ये बेडरूम 10x15.6 इंच, इसकी 4 फीट की विंडो इस ओटीएस के अंदर, ओटीएस की साइज है 4x4.8 इंच। इस बेडरूम का 3.5 फीट का दरवाजा, ये हमारा कॉमन टॉयलेट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट की साइज 4x8.6 फीट। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी छोटी इसके अंदर, इन दोवारों को दोनों दीवारों के बीच में जो कॉरिडोर होती है जो जगह छूटती है वो 4.5 फीट। और फिर यहाँ पे 3.5 फीट का दरवाज़ा और बेडरूम 10x10.3 इंच। फिर इस तरफ चलते हैं, ये देखिए हमारा 12x9.5 फीट का डाइनिंग और लिविंग एरिया, 12 फीट यहाँ से स्टेयर केस के बाद से, ठीक है। तो 3.5x3.5 फीट स्टेयर केस का लैंडिंग और यहाँ से मप करेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे डाउन। और फिर ये 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये किचन 9x9.3 इंच, इसकी 4 फीट की विंडो सामने पोर्च की तरफ, ये 4 फीट का मेन डोर और ये 6 फीट सामने से जगह छोड़ने के लिए पोर्च बना हुआ है 6 फीट चौके के अंदर और ये हमारा 5 फीट का मेन गेट और ये पूर्व दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन आती है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।